बहुत सही कह रहे हैं आप, ये लूठी है आम व्यक्ति के लिए, मिडिल क्लास के लिए, आपके जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए ये लूठी है। केवल टोल टैक्स नहीं, आप देखिए दवाई का भी दाम बढ़ गया है, इंश्योरेंस जो लोग लाइफ इंश्योरेंस, हर एक परिवार का सदस्य कुछ ना कुछ इंश्योरेंस कराता है, उसमें भी अब इंटरेस्ट है। म्यूचुअल फंड में जो इंटरेस्ट बैंक में बनता था उसमें भी अब टैक्स लगेगी। तो मतलब अब भारत ऐसे हालत में पहुंच गया है जहां पे सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो खुद को, उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम और ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हैं, किस तरह से अर्थव्यवस्था को हम लोग सुधार कर सकते हैं। वो केवल हमारे, मेरे और आपके जेब से पैसा निकाल के उनको लगता है कि ये राज्य, ये देश को चलाया जा सकता है। और आगे तो अभी और भी बहुत चीज़ होना, मैंने जिस तरह से कहा कि 24 मार्च जिस दिन हमारे माननीय राहुल गांधी जी का जो सदस्यता गया, उसी दिन फाइनेंशियल बिल भी पारित हुआ है और किसी भी भारत में किसी का भी नज़र इसमें नहीं गया। मेन ट्रेडिशनल मीडिया भी इसको कवर नहीं कर रही है और इससे ज़्यादा काला दिन, काला समय पूरे भारत के लिए कभी नहीं था और कभी नहीं होगा, ये आज का समय है।